अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं मेरा शो डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी और मैं हूं फातिमा नासिर। इस शो में हम आपसे बात करेंगे टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोसाइटी एंड सम लोकल न्यूज़ जो कि यूजुअली मेनस्ट्रीम मीडिया पर एंड अप नहीं कर पाती है। रिमेंबर व्हेन 2 मंथ्स अगो द एंटायर वर्ल्ड केम अंडर द पेंडेमिक एंड वी ऑल थॉट टू आवरसेल्व्स, कुड दिस गेट एनी वर्स? गेस व्हाट, इट हैज़ एक्चुअली गॉटन वेरी वेरी वर्स। और ये सब सिर्फ हमारी नेग्लिजेंस की वजह से। अगर हम लोग सिर्फ ध्यान करें और एहतियात करें तो अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम लोग शायद बेहतर बना सकें चीज़ों को। इसे कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर पर फोकस करें और उनको निभाने की कोशिश करें ताकि हम जल्द अज जल्द बेहतरी की तरफ जा सकें। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपनी टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ की तरफ। How to save education? We all know that as the pandemic hit around the world, schools were shut down in order to make sure that students were safe. फिर चाहे वो schools हों, फिर चाहे वो universities हों, फिर चाहे वो primary education ही क्यों ना हो, all students were told to stay at home ताकि वो safe रह सकें। लेकिन अब देखा जाए तो पूरी दुनिया के different ममालिक में schools को reopen किया जा रहा है, सब नेसेसरी मेयर्स को ध्यान रखते हुए रिस्ट्रिक्टेड क्लास साइजेस के साथ, ताकि बच्चों की एजुकेशन भी कंटिन्यू रह सके और उनको सेफ भी रखा जा सके। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का एजुकेशनल क्राइसिस इज अ लॉट ओल्डर देन द पेंडेमिक इटसेल्फ, बिकॉज पाकिस्तान में 22 मिलियन बच्चों की तादाद ऐसी है हु आर आउट ऑफ स्कूल, जिनको ना तो पढ़ना आता है ना तो लिखना आता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान में जिस तरह से पिछले 2 महीने में बच्चों को घरों पर रहने का कहा गया है विदाउट अ प्लान कि उनकी एजुकेशन को किस तरह से कंटिन्यू किया जाएगा, इज एक्चुअली क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जिसके बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द अज जल्द एक प्लान तैयार करें जिसके थ्रू बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू रखा जा सके, उनकी मेंटल हेल्थ को सस्टेन किया जा सके, लेकिन एट द सेम टाइम नेसेसरी प्रिकॉशंस भी लिए जाए ताकि उनको सेफ भी रखा जाए। इसी के साथ चलते हैं हमारी नंबर 4 न्यूज की तरफ। पाकिस्तान ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर शर्मीन उबैद चिनॉय टॉक्स अबाउट गिविंग गर्ल्स अ वॉइस। शर्मीन उबैद चिनॉय इज अ रिनाउंड डायरेक्टर अराउंड द वर्ल्ड। उनके प्रोजेक्ट्स को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। उनकी लास्ट फिल्म A short film which was based on Honor Killing, A Girl in the River, The Price of Forgiveness made Nawaz Sharif change the law around honor killing. Sharmeen Ubaid Chinoy hamesha aise topics ko target karti hain jo ki Pakistan ki film industry mein, media industry mein bahut kam tackle kiye jate hain. Sharmeen Ubaid Chinoy ki recent release on Netflix Sitara Let Girls Dream counters the subject of child marriages in Pakistan. Unki movie ka subject हम सबको ये समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह से चाइल्ड मैरिज की वजह से लड़कियों को अपने ख्वाब पूरे करने का मौका नहीं मिलता है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में अपनी इस प्रोडक्शन के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि आई एम नॉट हेयर टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन। वो अपने काम के बारे में बहुत सीरियस हैं और वो नहीं चाहती कि हर कोई उनको पसंद करे। करें तो करें लेकिन ना भी करें तो उनका पर्पस इस इंडस्ट्री में होने का है टू काउंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़। उनका कहना ये भी था कि लड़कियों के बारे में बात करते हुए, चाइल्ड मैरिजेस के बारे में बात करते हुए उनका कहना था यू डोंट हैव टू लाइक अस, लेकिन एट द सेम टाइम लेट अस लिव, लेट अस बी फ्री। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी नंबर 3 न्यूज की तरफ। फिरदौस आशिक अवान वांट्स पाकिस्तान टू ब्रॉडकास्ट इट्स फिल्म एंड सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में एक इंटरव्यू में बात करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था टू द ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर कि पाकिस्तान इज एंजॉइंग अमेजिंग रिलेशंस विद ऑस्ट्रेलिया ऑन अ पब्लिक एंड गवर्नमेंट लेवल। जिसके बाद फिरदौस आशिक अवान चाहती हैं कि पाकिस्तान अपने ड्रामे और फिल्मों को ऑस्ट्रेलिया में ब्रॉडकास्ट करे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान ने जो IMF के साथ डील की है उसको देखते हुए उनको लगता है कि पाकिस्तान इज मूविंग ऑन टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिरदौस आशिक अवान का कहना यह भी था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। एक और इंटरव्यू में बात करते हुए विद द जापानीज एम्बेसडर, उनका कहना था कि पाकिस्तान इज कमिटेड एंड रियली वैल्यूज इट्स बायलैटरल टाइज विद जापान। जिसके बाद वो चाहती हैं कि जापान इन्वेस्ट करे हमारी इंफॉर्मेशन और मीडिया सेक्टर के अंदर भी। जापानीज एम्बेसडर का भी यही कहना था कि वो भी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों का मीडिया सेक्टर मिलकर कोलैबोरेट करे, जिसके बाद
उन दोनों की टीवी सीरीज और ड्रामा और फिल्मों को एक दूसरे के कंट्रीज में नशर किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के रिलेशंस विद अदर कंट्रीज इम्प्रूव करेंगे ओवर टाइम। लेट अस नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नंबर टू न्यूज की तरफ। Massive growth projected in online shopping during the pandemic. इस पेंडेमिक की बात की जाए तो हमारी जिंदगी बहुत तरीकों से बदल गई है, जिसके बाद स्पेसिफिकली लोग जो प्रेफर करते थे कि इन पर्सन जाके चीज़ें खरीदें, वो ये प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन उन चीज़ों को ऑर्डर कर दिया जाए। पाकिस्तान में हमारे सोशल नॉर्म्स की वजह से हम लोगों को ज़रा मुश्किल लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाए। इसी वजह से लोग प्रेफर करते हैं अभी भी कि इन पर्सन जाकर चीज़ खरीदें और कैश में पेमेंट करें। लेकिन जितना भी हो, चाहे स्लो हमारा ये शिफ्ट हो रहा हो, शिफ्ट हो ज़रूर रहा है पाकिस्तान के ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ भी। अगर US की बात की जाए तो US में मार्च 2020 से अप्रैल 2020 में 110% इंक्रीमेंट देखा गया है ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ। वॉलमार्ट की बात की जाए, विच इज़ अ ह्यूज ग्रोसरी स्टोर चेन इन द US, तो उनका कहना है कि पिकअप एंड डिलीवरीज में 300% इंक्रीज हुआ है आफ्टर द पेंडेमिक हिट। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद इस पेंडेमिक के थ्रू जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, अभी के लिए तो ये ज़रूरी है, लेकिन बाद में भी दिस इज़ अ ट्रेंड विच माइट लास्ट लॉन्ग आफ्टर द पेंडेमिक इज़ ओवर। यानी कि ये पेंडेमिक तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ लोगों का जो रुझान होगा वो इस पेंडेमिक के बहुत देर बाद तक चलता रहेगा। NASA's historic flight to the International Space Station. ये फ्लाइट May 30, 2020 को दो एस्ट्रोनॉट्स के साथ भेजी गई टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये फ्लाइट वॉज रन बाय कंपनी SpaceX, जो कि कमर्शियली रन कंपनी है। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स को कमर्शियली रन एंड ऑपरेटेड फ्लाइट के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया हो। दिस इज़ डेफिनेटली अ न्यू एरा इन टर्म्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। एलन मस्क, जो कि चीफ इंजीनियर है एट कंपनी SpaceX, उनका कहना था कि दिस इज़ एक्चुअली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम एंड एवरीबडी एट SpaceX। उन्होंने इस बात पे भी एम्फेसिस किया कि ये किसी एक इंसान की मेहनत नहीं, बल्कि 100 से ज़्यादा लोगों की मेहनत है जिसके बाद ये मिशन सक्सेसफुल हुआ है। दिस वॉज द सेकेंड टेस्ट फ्लाइट फॉर कंपनी SpaceX, जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेशन मिल सकती है नासा की तरफ से अपनी सारी यूजुअल फ्लाइट्स रन करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया चैप्टर ओपन करेंगे। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी और आप कैसी न्यूज़ सुनना चाहेंगे हमारे इस शो के अंदर? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बिलो एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आल्सो हम लोग जानना चाहेंगे आप लोगों से कि आप किस तरह की न्यूज़ देखना चाहेंगे हमारे शो के अंदर। आल्सो हमें फीडबैक की ज़रूरत है आप लोगों की, सो प्लीज़ हमें बताते रहा कीजिए कि आप लोगों को हमारा कॉन्टेंट कैसा लग रहा है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में अगली दफा की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज़।